युगो युगो तक चलता रहेगा। आपका यह कारवा होगी हर सावन भोले की आराधना। ब्रह्मलीन श्री राजा अग्निहोत्री जी की प्रेरणा व संस्था राजा सेवा न्यास द्वारा सावन के इस पवित्र माह में आयोजित होने वाली प्रदेश की भव्य एवं निःशुल्क बोलबम कांवड़ यात्रा का यह सफलतम 18वां वर्ष है। बोलबम कांवड़ यात्रा सिरपुर शिव मंदिर पेट्रोल पंप से महाकाल मंदिर उज्जैन। यात्रा दिनांक 11 अगस्त शनिवार प्रातः 8 बजे। यात्रा संयोजक विशाल अग्निहोत्री गोलू भैया, आयोजक प्रशांत अग्निहोत्री रानू भैया, निवेदक संस्था राजा सेवा न्यास। नमस्कार, मैं आस्था चौहान आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में स्वागत करती हूं। और आइए देखते हैं अभी की ताज़ा खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस की तरफ। इंदौर के हाथोद में अंधविश्वास के चलते सांप के काटने से युवक की मौत। मध्य प्रदेश के सीहोर में यातायात पुलिस की गुंडाई देखने को मिली। जामा मस्जिद बुरहानपुर में इमाम के लाखों के गबन का आरोप लगा। आज के दौर में भी ग्रामीण अंचल में अंधविश्वास इस कदर पसरा पड़ा है कि उन्हें डॉक्टरी इलाज पर विश्वास ही नहीं होता है। ऐसे ही एक मामला इंदौर से सटे हाथों थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां एक युवक को सांप ने काटा तो परिजन उसकी अलग अलग जगहों पर झाड़ फूंक करवाते रहे और आखिर में युवक ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक हिंगुनिया खुर्द पंचायत जम्बूड़ी हपसी में रहने वाले मनोहर पिता समंदर सिंह कुशवाहा की मौत जंगल में जहरीले सांप के काटने से हो गई। इसके बाद परिजन मनोहर को सीधे किसी बड़े अस्पताल ले जाने की बजाय सिरपुरा गांव में झाड़ फूंक के लिए ले गए। वहां फर्क नहीं पड़ा तो वहीं के गांव के किसी अस्पताल में दिखाया और दोबारा झागपुर के लिए पितावली ले गए। आखिर में घर पहुँचते ही युवक की मौत हो गई। मेरा भैया बकरी चराने गया था और बकरी चराने के बाद डाली काटने गया। डाली काटने के बाद पाँव पे ध्यान नहीं दिया, सांप पे पैर रखा गया और सांप ने डस लिया। फिर क्या करा आप लोगों ने? हम पहले तो झड़वाने लगे सिर पर, वहाँ पे झड़वा के लेके आए, फिर बाकी अस्पताल में ले गए, यहाँ फर्क नहीं पड़ा। फिर रात में वहाँ ले गए झाड़ने के लिए। कौन सा गाँव है? पितावली ले गए। फिर वहाँ क्या करा? वहाँ पे आराम पड़ गया था, हम घर ले आए। घर आके तो झाड़ फूंक से आराम पड़ गया था इनको। हाँ, झाड़ फूंक से आराम पड़ गया था। फिर घर आके बुरहानपुर के जामा मस्जिद के पैस इमाम पर फर्जी बुक छपवा कर चंदा करने और कमेटी को हिसाब नहीं देने के साथ ही लाखों रुपए के गबन करने का आरोप लगा है। जन सुनवाई में वक्त अंजुमन फलाहुल मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष व अन्य लोगों ने इमाम की शिकायत जन सुनवाई में की है। मंगलवार को जन सुनवाई में वक्त अंजुमन फलाहुल मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल हमीद अपने सदस्यों के साथ पहुंचकर लालबाग स्थित जामा मस्जिद में पैस इमाम पर फर्जी बुक छपवाकर चंदा उगाने और कमेटी को हिसाब नहीं देने जैसे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इमाम ने हिसाब में लाखों रुपए का गबन भी किया है। वहीं दूसरी ओर पैस इमाम ने इन सभी आरोपों को सीधे तौर पर खारिज करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता जबरन मस्जिद के चंदे के पैसे में से रुपया मांगते हैं और दबाव बनाते हैं। इमाम के मुताबिक वो कभी भी हिसाब देने के लिए तैयार है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश से तफजुल हुसैन मुलायम वाला की रिपोर्ट। और मुस्लिमीन का मामला है जो अंजुमन फलाह मुस्लिमीन के सचिव मूसा सेठ के इंतकाल के बाद से ये हिसाब किताब 2010-11 से मस्जिद का इमाम आमीन बख्श रहीम बख्श इसके पास में था और इसने जब हमको दिया कागजात, उससे हमने जो हिसाब किताब बनाया उससे 1,11,641 रुपये उनके तरफ लेना निकलता है, लेकिन आज तक के उन्होंने नहीं डाला। और इसके अलावा उन्होंने फर्जी बुक छपवा कर मस्जिद का जो तामीरी काम है उसके अंदर डुप्लीकेट बुक छपवा कर रसीदें छपवा कर लाखों रुपया बल्कि करोड़ों तक पहुँच चुका है, उस वसूल किया है। और इस फर्जी रसीदों के ऊपर दो मोबाइल नंबर है, एक अमीन बख्श रहीम बख्शी का इमाम का। जी, ये जो आरोप है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इसका मेरे पास में पूरा हिसाब है और मैंने जुम्मे में भी ऐलान कर दिया कि जो इसका 1,00,000 रुपए या 10 रुपए साबित करेगा मैं इसके डबल देने को तैयार हूँ। मस्जिद का काम चालू है तामीरी और मस्जिद के अंदर पैसा लग रहा है, जो आ रहा है वो लग रहा है। और मस्जिद कमेटी जो है तो इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पानी नहीं है, मस्जिद में काम चालू है, एक ईंट एक पत्थर इधर का उधर नहीं करती है सिवाय लड़ाई झगड़ों के। और जो डिफाल्टर किराएदार हैं उनको साथ में लेकर घूम रहे हैं। किराएदारों से कोई किराया वसूल नहीं किया जा रहा है, डिफाल्टर किराएदारों से सिवाय लड़ाई झगड़े की कमेटी कोई काम नहीं कर रही है। और ये झगड़ा जो है ये बेबुनियाद है,
इसका सब मेरे पास में हिसाब लिखा जो का सब सही है। ये कोई आर्थिक फ्रॉड है, इसकी शिकायत उन्होंने की है, तो मस्जिद का पैसा है, लोगों का ऐसा लगता है कि गलत इंसान ने लेकर और उनसे मस्जिद अलवे तक पहुँचाया नहीं है। इन्होंने शायद पहले कंप्लेंट भी करी है, तो अभी मैटर की जाँच करवाएंगे और उसके बाद उसको जो भी एक्शन डिसीजन लेते हैं। सीहोर में यातायात पुलिस की दबंगाई उस समय चर्चा का विषय बन गई जब नगर के यातायात प्रभारी ब्रजमोहन धाकर ने बाइक सवार युवक आर्किटेक्ट के साथ हाथापाई कर उसे घायल कर दिया। दरअसल सीहोर नगर के व्यवसायी पवनदीप प्रजापति शहर में आर्किटेक्ट का कार्य करते हैं। बस स्टैंड क्षेत्र से जब वो अपने संस्थान सम्राट कॉम्प्लेक्स के दफ्तर जा रहे थे, तभी नगर के यातायात प्रभारी ब्रजमोहन धाकर ने उनकी बाइक के कागजात दिखाने को कहा। इस मामले में कहा सुनी हुई और फिर यातायात प्रभारी ने दबंगई दिखाते हुए एकाएक युवा आर्किटेक्ट पवनदीप को पीटना शुरू कर दिया। यही नहीं, उसके दफ्तर के अंदर घुसकर भी हाथापाई की। इस घटना में आर्किटेक्ट गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनके सर में 4 टांके आए हैं। घटना से नाराज घायल युवक के परिजन और साथियों ने घटनास्थल सम्राट कॉम्प्लेक्स के सामने चक्का जाम किया और जमकर पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी की। इस बीच मौके पर आए पुलिस बल ने हल्का बल प्रयोग कर चक्का जाम कर रहे युवकों को खदेड़ा। अब पुलिस मामले की जांच का बहाना बनाकर इस मामले में कुछ भी बोलने से परहेज करती दिख रही है। सीहोर मध्य प्रदेश से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट। मंदसौर में हुए विगत 26 जून की रात मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना में मंगलवार को पीड़ित बालिका के बयान हुए। बालिका सहित 6 लोगों के बयान कोर्ट में हुए। पुलिस ने इस मामले में मंगलवार को गिरफ्तार आरोपियों की भी पेशी कोर्ट में कराई। पीड़ित के साथ उसकी मां और पिता के भी बयान फास्ट ट्रैक कोर्ट में लिए गए, जबकि पूरे मामले में 92 गवाह हैं, जिनके बयान भी कोर्ट में लिए जाएंगे। पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है। पुलिस बच्ची को इंदौर से सकुशल मंदसौर बयान दिलवाने के लिए लेकर पहुंची। मामले में 4 अगस्त तक 41 गवाह के बयान होंगे। आज 6 गवाह उपस्थित होना थे, 6 ही गवाह उपस्थित थे। 6 में से 3 गवाहों की साक्ष्य हो चुकी है, जिनमें एक पीड़िता है, उनकी माता जी है, उनके पिताजी हैं। तीनों का मुख्य परीक्षण प्रति परीक्षण पूर्ण हो चुका है। 3 गवाह शेष है, उनकी गवाही 3 बजे बाद ली जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश। युगो युगो तक चलता रहेगा आपका यह कारवा, होगी हर सावन भोले की आराधना। ब्रह्मलीन श्री राजा अग्निहोत्री जी की प्रेरणा व संस्था राजा सेवा न्यास द्वारा सावन के इस पवित्र माह में आयोजित होने वाली प्रदेश की भव्य एवं निःशुल्क बोलबम कांवड़ यात्रा का यह सफलतम 18वां वर्ष है। बोलबम कांवड़ यात्रा सिरपुर शिव मंदिर पेट्रोल पंप से महाकाल मंदिर उज्जैन। यात्रा दिनांक 11 अगस्त शनिवार प्रातः 8 बजे। यात्रा संयोजक विशाल अग्निहोत्री गोलू भैया, आयोजक प्रशांत अग्निहोत्री रानू भैया, निवेदक संस्था राजा सेवा न्यास।